हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कार्नेगी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। कार्नेगी मेथड में फर्स्ट स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड मोमेंट, सेकंड स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ रोटेशन फैक्टर, थर्ड स्टेप में रिजल्टेंट मोमेंट एजी जॉइंट निकालते हैं, फोर्थ स्टेप में कार्नेगी रोटेशन साइकिल बनाते हैं, फिफ्थ स्टेप में फाइनल एंड मोमेंट निकालते हैं और लास्ट स्टेप में बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है, इसमें तीन स्पान दिए हुए ए बी बी सी एंड सी डी। ए एंड डी सपोर्ट फिक्स्ड है, बीच में बी और सी इंटरमीडिएट सपोर्ट है। ए बी स्पान पे यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, बी सी स्पान पे 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, बी से 3 मीटर डिस्टेंस पे और सी से 2 मीटर डिस्टेंस पे। सी और डी स्पान पे 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है सेंटर पे। अभी हम देखते हैं अपना फर्स्ट स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एंड मोमेंट इज अ रेजिस्टिंग मोमेंट विच इज डेवलप एट द सपोर्ट ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर। फिक्स एंड मोमेंट ऑलवेज सपोर्ट पे डेवलप होता है। इसके तीन केसेज होते हैं। फर्स्ट केस होता है इसमें लोड सेंटर पे लग रहा होता है स्पान के, ए एंड बी फिक्स है, तो हमारा फिक्स एंड मोमेंट एम एफ ए बी जो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल अपॉन में 8 हो जाएगा और एम एफ बी ए जो होगा प्लस डब्ल्यू एल बाई 8 होगा। ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि इस पे एंटी क्लॉकवाइज, ए पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट करेगा, बी पे क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट करेगा, इसलिए बी पे पॉजिटिव होगा और ए पे निगेटिव होगा। सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड केस में लोड हमारा अनइक्वल डिस्टेंस पे लग रहा होगा, तब हमारा फिक्स एंड मोमेंट एम एफ ए बी जो होगा माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर हो जाएगा और एम एफ बी ए जो होगा ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन में एल स्क्वायर। थर्ड केस आता है जब हमारा यूडीएल लग रहा होता है होल स्पान पे, इस केस में एम एफ ए बी जो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा और एम एफ बी ए जो होगा प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा। ये स्पान ए बी के लिए निकालेंगे तो एम एफ ए बी होगा, अभी बताया था मैंने फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 12 क्योंकि यूडीएल लग रहा है। ये वैल्यू पुट करेंगे 2 न्यूटन का यूडीएल लग रहा है, 6 मीटर का स्पान है, अपॉन में 12 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6। ऐसे ही एम एफ बी ए निकाल लेंगे प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 12, डाटा पुट करेंगे आ जाएगा प्लस 6। अब बी सी स्पान के लिए निकालेंगे, एम एफ बी सी इक्वल टू हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस पर लोड लग रहा है तो माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, माइनस 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, ए अपना डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर, बी हो जाएगा 2 मीटर, 2 का स्क्वायर अपॉन में होल स्पान का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस 2.4 आ जाएगा। ऐसे ही एम एफ सी बी निकालेंगे प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन में एल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस 3.6। ऐसे ही थर्ड स्पान के लिए निकालेंगे, देखिए थर्ड स्पान पे सेंट्रली 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, इसके लिए हमारा हो जाएगा एम एफ सी डी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल बाई 8 इक्वल टू 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड इंटू स्पान लेंथ 5 अपॉन में 8 करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। सही एम एफ डी सी इक्वल टू हो जाएगा प्लस डब्ल्यू एल बाई 8 प्लस 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड इंटू 5 स्पान का लेंथ अपॉन में 8 इक्वल टू 5 प्लस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा रोटेशन फैक्टर निकालने के लिए। रोटेशन फैक्टर निकालने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, जैसे ये है रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस कैसे निकालते हैं देखते हैं। रिलेटिव स्टिफनेस केस डिनोट करते हैं, फर्स्ट केस होता है व्हेन फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड और हिंज। देखिए ए पे खड़ा होकर बी को देखेंगे तो बी हमारा जो है ये हिंज है, या फिर इसको आप सिंपली सपोर्टेड बोल सकते हैं। इस केस में हमारा रिलेटिव स्टिफनेस एट ए हो जाएगा 3EI अपॉन में 4L या फिर 3EI अपॉन में L। सेकंड केस में व्हेन फार एंड इज फिक्स और इंटरमीडिएट सपोर्ट, इस केस में हमारा हो जाएगा, देखिए B जो है ये फिक्स है, A से खड़ा होकर B की तरफ देखेंगे तो B फार एंड हमारा हो जाएगा फिक्स एंड। इस केस में हमारा रिलेटिव स्टिफनेस होता है I अपॉन में L या फिर 4EI अपॉन में L। देखिए
आप कभी भी रिलेटिव एस्टीमेट निकालने के लिए या तो इन दोनों का यूज कीजिएगा या फिर इन दोनों का यूज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ये थ्री ई आई अपॉन में एल और आई अपॉन में एल यूज कर दिया, ऐसे कीजिएगा तो डाटा हमेशा गलत आएगा। रिलेटिव स्टिफनेस के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन में टोटल रिलेटिव स्टिफनेस एट ए जॉइंट। इसको डिनोट करते हैं के रिलेटिव स्टिफनेस को और समेशन ऑफ के टोटल रिलेटिव स्टिफनेस को। उसके बाद आता है रोटेशन फैक्टर। रोटेशन फैक्टर जो होता है माइनस वन बाई टू इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। इसके हेल्प से अपन रोटेशन फैक्टर निकालेंगे। देखिए ये टेबल बनाया मैंने, यहाँ ज्वाइंट लिखा है मेंबर, उसके बाद रिलेटिव स्टिफनेस, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसके बाद रोटेशन फैक्टर। क्वेश्चन में देखिए हमारे दो ज्वाइंट है, एक बी ज्वाइंट है एक सी ज्वाइंट है। क्वेश्चन में देखिए एक बी ज्वाइंट है और एक सी ज्वाइंट है। यहाँ ज्वाइंट मैंने लिख दिया है बी और सी। मेंबर जा रहा है बी से ए, बी से सी। बी से मेंबर जा रहा है बी से ए, बी से सी, और सी से मेंबर जा रहा है सी से बी और सी से डी। ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद रिलेटिव स्टिफनेस निकालेंगे। रिलेटिव स्टिफनेस के लिए अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, जब बी से ए के तरफ के लिए निकालेंगे तो ए हमारा फिक्स एंड है, इस केस में आई अपॉन में एल हो जाएगा। और बी से सी के तरफ देखेंगे तो सी जो है हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट को हम फिक्स एंड की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए आई अपॉन में एल यहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद सी से बी के तरफ जब देखेंगे तब भी हमारा आई अपॉन में एल ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी इंटरमीडिएट सपोर्ट है। उसके बाद सी से डी की तरफ देखेंगे तो डी हमारा फिक्स एंड है, इस केस में भी आई अपॉन में एल हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आई दिया हुआ है, ए बी स्पान के लिए आई दिया है, बी सी स्पान के लिए टू आई दिया है, सी डी स्पान के लिए आई दिया है। इस डाटा को हम पुट करेंगे, रिलेटिव स्टिफनेस निकल जाएगा। उसके बाद टोटल रिलेटिव स्टिफनेस के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। आई अपॉन में सिक्स प्लस में टू आई अपॉन फाइव करेंगे, ये आ जाएगा सेवनटीन आई अपॉन में थर्टीन। उसके बाद टू आई अपॉन में फाइव आई अपॉन में फाइव करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री आई अपॉन में फाइव। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन में टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। तो रिलेटिव स्टिफनेस यहाँ पे क्या है, आई अपॉन में सिक्स डिवाइडेड बाई सेवनटीन आई अपॉन में थर्टीन करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट टू नाइन फोर। उसके बाद टू आई अपॉन में फाइव डिवाइडेड बाई सेवनटीन आई अपॉन में थर्टीन करेंगे तो पॉइंट सेवन जीरो फाइव आ जाएगा। वैसे ही अपॉन टू आई अपॉन में फाइव डिवाइडेड बाई थ्री आई अपॉन में फाइव करेंगे तो पॉइंट सिक्स सिक्स हो जाएगा। उसके बाद आई अपॉन में फाइव डिवाइडेड बाई थ्री आई अपॉन में फाइव करेंगे तो पॉइंट थ्री थ्री आ जाएगा। ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल गया। अब रोटेशन फैक्टर क्या होता है, माइनस वन बाई टू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसको माइनस वन बाई टू से डिवाइड कर देंगे तो यह सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस पॉइंट वन फोर सेवन। इसमें भी माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पॉइंट थ्री फाइव। इसमें भी सेम वैसे ही करके ये निकाल लेंगे। नोट से रोटेशन फैक्टर जो होता है, सम ऑफ रोटेशन फैक्टर एट जॉइंट इक्वल टू माइनस पॉइंट फाइव के बराबर होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस पॉइंट के बराबर पॉइंट फाइव के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो माइनस पॉइंट फाइव के बराबर हो जाएगा। हमारा थर्ड स्टेप आता है रिजल्टेंट मोमेंट एट ए ज्वाइंट। रिजल्टेंट मोमेंट एट ए ज्वाइंट, दो ज्वाइंट है, बी ज्वाइंट है और सी ज्वाइंट पे, इन दोनों पे अपना रिजल्टेंट मोमेंट निकालेंगे। एम एफ बी इक्वल टू हो जाएगा एम एफ बी ए प्लस में एम एफ बी सी। दोनों फिक्स एंड मोमेंट हम निकाल चुके हैं, इन दोनों को सम करेंगे आ जाएगा प्लस थ्री पॉइंट सिक्स किलो न्यूटन मीटर। एट ज्वाइंट सी करेंगे एम एफ सी इक्वल टू हो जाएगा एम एफ सी बी प्लस में एम एफ सी डी इक्वल टू प्लस थ्री पॉइंट सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू माइनस 1.4 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए ये टेबल बनाएंगे, ये ए बी सी डी जहां जहां हमारा सपोर्ट था वो लिख दिया, जहां ज्वाइंट था वहां पे ऐसा बॉक्स बना लेंगे। हमारा दो ही ज्वाइंट था, देखिए बी ज्वाइंट था एक सी ज्वाइंट था, इसके लिए हमने ये बॉक्स बना दिया। उसके बाद ए पे ये अपना फिक्स एंड मोमेंट जो सेकंड फर्स्ट स्टेप में निकाला था
वो लिख दिया माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस टू पॉइंट फोर प्लस थ्री पॉइंट सिक्स माइनस फाइव प्लस सिक्स, ये अपना रोटेशन फैक्टर लिख दिया। रोटेशन फैक्टर अभी निकाला उसको लिख दिया यहाँ पे, ये वाला एम एफ बी से सी के तरफ वाला रोटेशन फैक्टर यहाँ लिख दिया, एम एफ सी से बी वाला रोटेशन फैक्टर यहाँ लिख दिया और सी से डी के तरफ वाला रोटेशन फैक्टर यहाँ लिख दिया। और ये जो है ये रिजल्टेंट मोमेंट जो अभी अपन ने निकाला है इन दोनों को सम करके, ये अपना रिजल्टेंट मोमेंट है। फिर इन दोनों को सम करेंगे तो ये अपना रिजल्टेंट मोमेंट आ जाएगा जो अपन थर्ड स्टेप में निकाले हैं। उसके बाद अभी समझ में आ जाएगा ये सब डाटा कैसे आया है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अपना कानेज इटरेशन साइकिल। फर्स्ट साइकिल को सॉल्व करेंगे, एम एफ बी ए जो होता है रोटेशन फैक्टर इंटू मोमेंट एडजॉइंट प्लस में रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेंड होता है। एम एफ बी ए के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेशन फैक्टर निकालेंगे। अभी रोटेशन फैक्टर देखिए अपन ने लिखा है यहाँ पे माइनस पॉइंट वन फोर सेवन, ये डाटा मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस में मोमेंट एट ज्वाइंट। मोमेंट एंड ज्वाइंट ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं अपन, प्लस में 3.6, 3.6 रख दिया। और रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर एंड, अपन फर्स्ट स्टेशन कर रहे हैं इसलिए अपन यहाँ पे रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर एंड एम बी से बी का फॉर एंड हो जाएगा ए और सी, ए पे अपना ऑलरेडी फिक्स है इसलिए जीरो होगा और सी पे जीरो इसलिए होगा क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेशन कर रहे हैं, इससे पहले कोई भी स्टेशन सॉल्व नहीं किया इसलिए अपना डाटा जीरो होगा, इसलिए अपन यहाँ जीरो लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.529। उसके बाद एम बी सी निकालेंगे, सेम रोटेशन फैक्टर लिख देंगे, बी से सी की तरफ का रोटेशन है माइनस 0.353, ये लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मोमेंट एट ज्वाइंट लिख दिया प्लस 3.6 और सेम लेफ्ट सपोर्ट पे अपना फिक्स एंड है इसलिए जीरो होगा और राइट सपोर्ट पे अपन कोई डाटा है नहीं इसलिए वहां भी जीरो होगा, ये अपना आ गया माइनस 1.270। ऐसे ही एम सी बी भी निकालेंगे, एम सी बी के लिए क्या हो जाएगा, एम सी बी ये निकालना है, इसका रोटेशन फैक्टर ये है और मोमेंट एडजॉइंट माइनस 1.4 ये है, ये लिख दिया। उसके बाद रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फार एंड जो होगा, अब इसके लिए फार एंड बी होगा और डी होगा, बी पे अपन ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं तो ये डाटा अपन यहाँ रखेंगे माइनस 1.270 प्लस में जीरो क्योंकि जीरो ये जीरो होगा क्योंकि डी एंड जो है ये फिक्स है। ऐसे ही एमसीडी भी निकालेंगे, फर्स्ट साइकिल सॉल्व करने के बाद जो भी डाटा आया उसको अपन लिख देंगे, एम बी से एक तरफ के लिए आया था माइनस 0.529 लिख दिया, बी से सी की तरफ आया था माइनस 1.270 इधर यहाँ लिख दिया, प्लस 0.889 यहाँ लिख दिया, प्लस में 0.446 ये लिख दिया। और डी एंड जो है ये ऑलवेज फिक्स है इसलिए यहाँ पे हमेशा जीरो होगा, ए भी फिक्स है इसलिए यहाँ पे हमेशा जीरो होगा। अब नेक्स्ट साइकिल सॉल्व करते हैं, सेकंड साइकिल अपना आ गया, ये फॉर्मूला सेम है। देखिए ये अपना क्या है, रोटेशन फैक्टर ये वाला, ये मोमेंट एट ज्वाइंट है, ये लेफ्ट सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है लेफ्ट सपोर्ट पे जीरो है और ये राइट सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन राइट सपोर्ट पे अब कंट्रीब्यूशन अपना निकाल चुका है तो इसलिए इसको रख देंगे यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना 0.659। और एम बी सी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एम बी सी के लिए अपना रोटेशन फैक्टर है माइनस 0.353 लिख दिया यहाँ पर, मोमेंट एट ज्वाइंट प्लस 3.6 और लेफ्ट सपोर्ट का रोटेशन कंट्रीब्यूशन और राइट साइड का रोटेशन कंट्रीब्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डाटा आ जाएगा। ऐसे ही एम सी बी भी सॉल्व करेंगे, एम सी डी भी सॉल्व करेंगे, ऐसे ही थर्ड साइकिल भी निकालेंगे, फोर्थ साइकिल भी निकालेंगे। और फिफ्थ साइकिल जब निकालेंगे देखिए, और सारा डाटा अपन यहाँ लिखते चले जाएंगे। फर्स्ट साइकिल का डाटा ये है, सेकंड साइकिल का डाटा ये है, थर्ड साइकिल का डाटा ये है, फोर्थ साइकिल का डाटा ये है, फिफ्थ साइकिल का डाटा ये है। देखिए अब जो अपना वैल्यू है वो लगभग सेम आने लगेगा। यहाँ आया है माइनस फोर्थ साइकिल में माइनस 0.677, यहाँ भी आया है माइनस 0.677, यहाँ आया है माइनस 1.625, यहाँ आ रहा है माइनस 1.626, मतलब नियर अबाउट सेम है। यहाँ आ रहा है प्लस 1.007, यहाँ भी आ रहा है प्लस 1.007। जब ये डाटा सेम आने लगे तब इटरेशन बंद कर देंगे।
इसके बाद अपना आता है फाइनल मोमेंट निकालने का। फाइनल मोमेंट के लिए एक टेबल बनाएंगे। यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे फिक्स्ड मोमेंट। फिक्स्ड मोमेंट जो अपन फर्स्ट स्टेप में निकाले थे वो यहाँ पे लिख देंगे, ए बी सी डी। ए पे कितना जो भी आया था फिक्स्ड मोमेंट, -6 +6 -2.4 +3.6 -5 +5। अब यहाँ लिखेंगे आर सी ऑफ नियर एंड। जो अपन ये रिट्रेशन करके ये डाटा जो निकाले हैं ना, लास्ट स्टेप जो हमारा आया है लास्ट साइकिल में, फिफ्थ साइकिल में, ये वाला डाटा अपन यहाँ लिख लेंगे। देखिए ए पे अपन का जीरो है, ए पे इसलिए जीरो है क्योंकि ये फिक्स है, ए पे जीरो है। बी से ए के तरफ के लिए आया था -0.677, उसके बाद -1.626, उसके बाद 1.007, 0.505, लास्ट में डी सपोर्ट के लिए जीरो। उसके बाद नेक्स्ट है अपना आर सी ऑफ फार एंड। आर सी ऑफ फार एंड के लिए कुछ नहीं करना है, ये जीरो है इसको इधर भेज देना है, इसको इधर भेज देना है, फिर इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। उसके बाद फाइनल एंड मोमेंट निकालेंगे। फाइनल मोमेंट के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स्ड मोमेंट प्लस में 2 × आर सी ऑफ नियर एंड प्लस में आर सी ऑफ फार एंड। इस फॉर्मूले से अपन फाइनल एंड मोमेंट निकालेंगे। फिक्स्ड मोमेंट मतलब -6 प्लस में करेंगे 2 × 0, आर सी ऑफ नियर एंड जीरो है, जीरो करेंगे तो 2 × 0 जीरो हो जाएगा, प्लस में आर सी ऑफ फार एंड मतलब ये, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6.6677। वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +4.646, और इसको भी सॉल्व करेंगे फिर से वैसे ही सेम फॉर्मूले से -4.646 आ जाएगा। ऐसे ही सी पे भी सॉल्व करेंगे, डी पे भी सॉल्व करेंगे, अपना आ गया फाइनल एंड मोमेंट। इससे अपन बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।